हेलो सिद्धार्थ, हेलो मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है अभी? मैम बस आजकल तो मतलब जितना टाइम पास नहीं कर पाए थे प्रॉपर टाइम, अब सब मस्ती कर रहे हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। ओके सिद्धार्थ, आप नीट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 16133 एंड मार्क्स 531 के साथ आपने नीट क्लियर किया है, तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब मेहनत की थी तो रिजल्ट आया। हाँ उतना नहीं आया जितना सोचा था, पर फिर भी अब मन तो कभी नहीं भरता। ओके सिद्धार्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी के सक्सेस के पीछे उनके फैमिली का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका कुछ ना कुछ योगदान होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके टीचर्स का, फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मेरी सक्सेस के पीछे मेरे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा टीचर्स का और पेरेंट्स का रहा। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं 100% यहाँ नहीं पहुँच पाता। मतलब टीचर्स ने हर छोटी से छोटी चीज़ समझाने पे जोर दिया, और पेरेंट्स ने कभी कोई चीज़ थोपी नहीं थी मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया था कि जैसा मैं सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, तो इसका फ़ायदा मिला मुझे। सिद्धार्थ, 12th के साथ आपका नीट में अच्छे नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, देन आपने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप लेने के बाद आपको उसका क्या एडवांटेज मिला? ड्रॉप लेने के बाद मतलब आप ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि आपका एक साल जा रहा है, आप ये सोचिए इससे अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है नेक्स्ट। मतलब पिछले साल तो मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था कि मुझे कोई ढंग का कॉलेज भी मिलता, पर एक साल मैंने अगर अपना इन्वेस्ट कर दिया तो वो मैं आगे जाके उसको मतलब जो बोगे वही काटोगे, तो बहुत अच्छा एडवांटेज था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे अच्छा स्कोर करने के लिए। सिद्धार्थ, मैं ये पूछूंगी कि आप अपने नोट्स कैसे मेंटेन करते थे, जैसे कि मोमेंटम के फैकल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड करते थे और साथ में सजेस्ट करते थे कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए, तो आप दोनों को मिक्स करके अपना नोट्स बनाते थे या आपने कुछ अलग से किया? मैंने दोनों को मिक्स तो नहीं किया था, पर ये था कि सारे नोट सिस्टमेटिक थे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं दो पेजेस कॉपी में रख रहा हूँ, दो पेजेस कॉपी में रख रहा हूँ, जो था सब इकट्ठे था, और लेकिन हर नोट्स मतलब हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेरे एक दो पेज छूटे ही होते थे, जो कि मैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकता था वो करता था, और उसके अलावा एज अ रिविजन और वैसे मतलब एक रेगुलर वे में तो करने का रहते ही है, तो मैं एनसीईआरटी भी प्रेफर करता था, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत बहुत पार्ट जनरली होता ये है कि जब एग्जाम पास में आता है तो कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में उस समय ऐसा क्या चलता था कि आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? पेपर के पहले तो सबको डर लगता है, चाहे वो कितने ही बड़ा कुछ ना हो, पर बस यही है कि वो आप मतलब मैं तो यही सोचता था कि अगर मुझे डर नहीं है तो मैंने फिर मेहनत ही क्यों की, साल भर फिर डरते ही रहता, पूजा पाठ करता, चार अगरबत्ती हर मंदिर में लगाता और फिर आगे शायद कॉन्फिडेंट हो जाता, तो इसलिए बेटर था कि मैं डरूं ना, जो अभी तक कवर किया था उसे मेंटेन करके चलूं। ओके सिद्धार्थ, आप इस साल जो स्टूडेंट्स नीट में अपीयर होने वाले हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो जो इस साल अपीयर होने वाले हैं उन सबको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, मेहनत तो बहुत लगेगी पर हाँ आप कर सकते हैं, बस ये मन में रखना कि आप कर सकते हैं, अगर आप यही सोच के बैठे हो कि हाँ टफ है तो यार टफ तो है, और टफ है तो ये अच्छी बात है, अगर टफ नहीं होता तो लोग चाय नहीं बेच रहे होते, सब स्टेथोस्कोप लेके पूरे ठेले में चल रहे होते, तो अच्छा है टफ है, बस अपनी प्रिपरेशन अपने तरीके से करिए और खुद पे विश्वास रखिए। सिद्धार्थ, आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मुझे बता रहे हैं। सिद्धार्थ, जैसे आप मोमेंटम के दो साल के स्टूडेंट थे, फिर साथ में एक साल ड्रॉप लिया आपने, तो आपने यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, नीट से पहले होने वाले मॉक टेस्ट, ये डिफरेंट टाइप के आपने टेस्ट दिया, तो इससे आपको कितनी हेल्प मिली और क्या हेल्प मिली? ये जितने भी मॉक टेस्ट और दृष्टि टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, ये सब बहुत बहुत हेल्प करते हैं आपकी, क्योंकि इससे देने से आपको ये पता चलता है कि आप किस लेवल में हैं, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि आप किस टाइम पे क्या क्या कवर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, उसके अलावा जो 3 घंटे का माइंड सेट होता है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा अगर 4 साल भी लगातार मेहनत कर दे बहुत, और वो 3 घंटे अगर उसने बर्बाद कर दिए तो वो एंड में जीरो ही रहता है,
तो वो 3 घंटे का माइंडसेट भी बनाने का बहुत हेल्प हुआ था मुझे इससे। तो टेस्ट तो देना चाहिए सारे रेगुलर, आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप खुश हो, पर अगर बुरे आए तो उसको सुधारो, डिप्रेस मत हो, क्योंकि जहां आप डिप्रेस हुए आप वो एक सीढ़ी छोड़ रहे हैं और बिना एक सीढ़ी चढ़े लिफ्ट तो है नहीं यहाँ पे कि आपको ऊपर पहुंचा देगी। ओके सिद्धार्थ, आपने इतनी सारी अच्छी बातें मुझे बताई, अब मैं लास्ट में आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि मोमेंटम के टीचर्स, फैकल्टीज, मोमेंटम का स्टाफ, मोमेंटम की फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, डाउट सॉल्विंग सेशन, इन सबका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आप हमारे साथ शेयर करें। यहाँ की फैकल्टी और जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, यानी लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। और जो यहाँ की फैकल्टी है वो तो बेस्ट है, क्योंकि ये आपको स्टूडेंट लेवल पे नहीं, आपको पर्सनल लेवल पे भी कुछ सजेस्ट करती हैं और कुछ सिखाती हैं। मतलब एक होती है बस पढ़ाई और एक होती है समझा के पढ़ाना, तो यहाँ पे सब समझा के पढ़ाना प्रेफर करते हैं, तो बेस्ट बात है। इसके अलावा लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी सबसे अच्छी है, जो बुक चाहिए आपको जितने टाइम तक चाहिए आप यहाँ रह सकते हैं। अगर आपको मतलब लग रहा है कि मैं ये बुक अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि 3 बुक ऑलरेडी खरीद चुके, चौथे के लिए पापा से पैसे कैसे मांगे, तो आप यहाँ पे आइए ना, लाइब्रेरी में आपको सब मिलेगा, आपको फैसिलिटी सब है, बस आपको अपने एफर्ट करने हैं और जितना टीचर कोचिंग जितना एफर्ट कर सकती है वो सब यहाँ पे सब करते हैं, बस आप अपना एफर्ट बढ़ाइए। थैंक यू सिद्धार्थ, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे आज बताई और मोमेंटम के पूरे परिवार की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।